Hi students, this is KD sir from Zivam Education. Today we are going to do class 12 statistics, chapter number 1, index number. So students, what is index number? Ye index number kya hota hai? Right? Index number, it is nothing but it is a relative comparison. Index number is nothing but a relative comparison. तो ये कंपैरिजन क्यों चाहिए? हाँ, देखिए, अगर आप एक नेशन ले लो, स्टेट ले लो, घर ले लो, स्कूल ले लो, कहीं भी ले लो, कंपैरिजन बिना आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ, राइट? तो कंपैरिजन बहुत जरूरी है. एंड स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन. तो जब आप सिस्टमेटिक स्टडी की बात करते हैं तो रिलेटिव कंपैरिजन की बहुत जरूरत है. सो दैट्स व्हाई इंडेक्स नंबर इज यूज्ड. इंडेक्स नंबर में कुछ फॉर्मूलास हैं और कुछ मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव स्टडीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स हैं, राइट? ये चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. ओके, आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है. ध्यान देना आप लोग, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है. मिस्टर ए का सैलरी 2019 में 10,000 है, राइट? और मिस्टर बी का सैलरी 2019 में 1,00,000. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम? मिस्टर सैलरी का, ए का सैलरी है 10,000, मिस्टर बी का 2019 में जो सैलरी था वो है 1,00,000. अब 2020 में आपको पता है ना, हर एक साल उन लोग को अप्रिसिएशन देते हैं, सैलरी में बढ़ोतरी देते हैं, ये इज कॉल्ड अप्रिसिएशन. तो 2020 में इनका सैलरी हो गया 20,000 और इनका सैलरी हो गया 1,10,000. दोनों खुश होना चाहिए, लेकिन ये काफी खुश दिख रहा था और ये थोड़ा दुखी हो गया था. लेकिन कैसे? मेरे ख्याल से तो देखिए, अगर आप ये दोनों का डिफरेंस देखिए, दिस इज कॉल्ड 10,000 का डिफरेंस है. यहां भी डिफरेंस देखिए, तो इनकी जो बढ़ती हुई है 10,000 की, तो दोनों खुश होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. क्यों बोलिए? बिकॉज अगर आप देखेंगे कि ये जो 20,000 और 10,000 का है, बराबर 20,000 मतलब उनका सैलरी कितना था 10,000 और इनका सैलरी कितना हुआ अभी 20,000. ये जो है इसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड, और ये जो अभी मैं करने वाला हूं दूसरा है वो है रेशियो मेथड. तो ये दो मेथड है जिससे कौन सा रिलायबल है कौन सा नहीं है ये देखें. ये जो आपको मिला है दोनों, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस, द लेटेस्ट माइनस प्रीवियस वन. ओके, प्रेजेंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस. यहां पे भी करंट माइनस, ये है डिफरेंस मेथड. लेकिन अगर मैं ये रिलेटिव मेथड करूं, दैट इज रेशियो वाला, तो देखिए जरा, दिस इज 20,000 करंट ईयर अपॉन 10,000 इनटू 100 परसेंटेज में लेते हैं, राइट? तो ये देखिए, राइट, ये कितना हो गया 200, बराबर कितना हो गया 200%, राइट? यहां आप यहां देखिए, ये 1,10,000 अपॉन 1,00,000, 1,2,3,4,5 इंटू 100% पे ले लेते हैं. तो अगर ये आप देखेंगे 1.1, इसका भी हो गया 110%. अब 200% मतलब 100 प्लस 100, मतलब 100% की इसको बढ़ती मिली है, अप्रिसिएशन मिला है. लेकिन यहां बेचारे को 100 प्लस 10, दैट इज 10% की बढ़ती मिली है. तो आप बताइए, दोनों इक्वल थे? डिफरेंस मेथड से दोनों इक्वल दिख रहे थे. अब रिलेटिव मेथड से इतना डिफरेंस है, इसको 100% इसको अप्रिशिएट मिला है, डबल हो गया सैलरी, और इसको खाली 10,000 मतलब 10% मिला है. तो दैट्स व्हाई द डिफरेंस मेथड इज नॉट रिलायबल, राइट? बट द रिलेटिव रेशियो, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मेथड, रेशियो मेथड जो है, दैट इज द परफेक्ट वन फॉर स्टडिंग दिस इंडेक्स नंबर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. इसे हम लोग टेबल के फॉर्म में लेते हैं और आपको और आइडिया आ जाएगा. ओके, लेट्स सी. ओके स्टूडेंट्स, अब वही इंफॉर्मेशन को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लू, तो ये देखिए, राइट, पर्सन, दैट इज यहाँ पे अगर हम स्टैट्स में ज्यादातर देखें तो आइटम्स लिखते हैं. अभी यहाँ पे ए और बी हमने एग्जांपल लिया, तो पर्सन लिखा है, ए बी,
इनका सैलरी था 2019, अब बन गया 2019 में 10,000 और अब बन गया 20,000, और यहाँ इनका 1 lakh सैलरी है बन गया 1,10,000, राइट। अगर मैंने जैसे बताया देर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड टू फाइंड आउट द डायरेक्ट कंपैरिजन, वन इज डिफरेंस मेथड, दैट इज प्रेजेंट करंट माइनस प्रीवियस वन। तो अगर ये देखिए तो ये क्या हो गया, 10,000 का डिफरेंस है, ये भी 10,000 का डिफरेंस है। तो एज पर दैट मेथड बोथ आर वेरी हैप्पी, राइट, बोथ शुड बी वेरी हैप्पी, बट दैट डजंट हैपन। ऊपर वाला काफी हैप्पी है, ये दुखी है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज व्हेन वी फाइंड इट दैट relative comparison, when we found in relative comparison, we found that the difference was too much. अब ये कैसे, ये देखिए, relative comparison में क्या होगा, P1 upon P0, मतलब P1 मतलब ये current और ये previous one, तो current upon previous, तो 20,000 upon 10,000 देखा तो ये है 2, अगर मैं इसको percentage में change करूँ तो 200%, अब 200 मतलब क्या हुआ, 100 plus 100%, मतलब 100 तो ओरिजिनल होता है, तो इसकी बढ़ती कितनी हुई है, एप्रिसिएशन कितना हुआ, 100% सैलरी इंक्रीज हुआ है। यहाँ दूसरे बेचारे जो बी है, मिस्टर बी का कितना है, 110, मतलब 100 और ये खाली 10% एप्रिसिएशन हुआ, तो इनको तो बहुत कम हुआ है, इनको बहुत ज्यादा हुआ है, राइट। दिस इज वी कम टू नो ओनली थ्रू रिलेटिव चेंज, तो ये रिलेटिव चेंज बहुत जरूरी है। ओके, नाउ यहाँ पे रहा ये दोनों की बात, लेकिन कंपनी क्या बोलेगी कि ये साल हमने अप्रिशिएशन क्या दिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपनी एज होल, कंपनी क्या करेगी, दोनों को प्लस कर देगी, दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल मिला 155, मतलब 100 प्लस 55%, तो कंपनी विल डिक्लेयर दैट ये बार हम लोगों ने 55% का अप्रिशिएशन दिया हमारे एम्प्लॉइज को। सी वापस उन्होंने क्या बोल दिया, अभी एक साथ 55% का अप्रिशिएशन दिया हमारे एम्प्लॉइज को, दैट इज एवरेज ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। तो दिस इज व्हाट इंडेक्स नंबर इज, इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट इट इज अ रिलेटिव चेंज इन द परसेंटेज ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन विद द प्रीवियस इंफॉर्मेशन, दैट इज रेशियो ऑफ द करंट अपॉन प्रीवियस वन और बेस और फिक्स, वॉट एवर यू कैन यू हैव टू कंपेयर। अब ये फिक्स क्यों है, ये क्या है, मुझे बताइए, मैंने जो बोला था कंपेरिजन, ये कंपेरिजन देखिए, हमेशा कंपेरिजन के लिए किसी ने किसी के साथ कंपेयर करना है। और एक एग्जाम्पल लेता हूं, राइट, ये सेकंड स्टैंडर्ड का है, ये सेकंड स्टैंडर्ड का है, राइट, ये 10th स्टैंडर्ड का है, ये है 11th स्टैंडर्ड का, ओके, और ये है 3rd स्टैंडर्ड का। अब मुझे बताइए कंपैरिजन किसके साथ करना चाहिए, एक एज ए स्टूडेंट, जैसे अभी सपोज मैं रनिंग कंपटीशन रखता हूँ या तो फिर कुछ आईक्यू का टेस्ट रखता हूँ, कैन आई कंपेयर दिस सेकंड स्टैंडर्ड विद दिस 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, नॉट पॉसिबल, राइट, ये कंपेयर करेंगे तो भी सही नहीं रहेगा, दैट इज लाइक डिफरेंस मेथड जैसा हो जाएगा, ये है। तो मुझे अगर कंपेयर भी करना है तो ऐसे कंपेयर करना है तो थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन हो, राइट, तो सेकंड स्टैंडर्ड को थर्ड स्टैंडर्ड से थोड़ा बहुत कर भी कर सकते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड को सेकंड स्टैंडर्ड से करेंगे तो और परफेक्ट रहेगा, और 10th स्टैंडर्ड को 11th स्टैंडर्ड से बेस्ट, राइट। तो दिस इज हाउ कंपैरिजन इज डन, राइट। कंपैरिजन करने से ये पता चलेगा कि व्हाट इज द डेवलपमेंट हैपनिंग सो दैट यू कैन मेक अ फ्यूचर प्लान, दिस इज इन स्टेट और कंट्री और वर्ल्ड मार्केट इन एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स और इन इफ यू सी अब ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर, राइट, इन एजुकेशन, इन एम्प्लॉयमेंट, इन रॉ मटेरियल, इन इंडस्ट्रीज, ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं जिसमें ये इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है। Okay, so this is how the index number is used. Okay, let's now go for base year. What is called base year? Right? ये देखते हैं। अच्छा, और एक बात है कि ये जो ग्रुप वाला लिया है, राइट, जो एवरेज लिया है, इसका हम एक फॉर्मूला भी, जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं, दैट इज सिग्मा P1i अपॉन P0i, राइट, अपॉन n into 100, मतलब परसेंटेज का है, दैट इज व्हाट जनरल इंडेक्स नंबर और ग्रुप इंडेक्स नंबर। ये क्या होता है, P1 अपॉन POI, P1 मतलब करंट, PO मतलब बेस, मतलब या तो प्रीवियस ईयर या तो फिक्स ईयर, राइट, अपॉन n, हाउ मेनी वेर देयर, 2, तो देखो मैंने 2 से डिवाइड किया है,
राइट तो ये जस्ट लॉजिकली करो, समझ के करो, एक बार आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा, सारे सम्स आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इट इज नथिंग बट सिग्मा मतलब एवरेज, पी वन अपॉन पी जीरो। अब आई क्या है मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ, राइट, आई वन टू थ्री, पी वन पी टू पी थ्री, इस तरह आई बोल सकते हैं। पी जीरो भी ऐसा ही है, पी वन होगा वही पी जीरो भी होगा। तो अगर बहुत सारे आइटम्स दिए हैं तो पी वन पी टू पी थ्री पी फोर आएगा, और पी ओ भी ऐसे ही आएगा, और अपॉन एन नंबर ऑफ आइटम्स। या फिर टू है तो टू से डिवाइड करूंगा, फोर है तो फोर से डिवाइड करूंगा, दैट्स ऑल, दैट्स योर, राइट। तो वेरी इजी मेथड, ओके। लेट्स गो टू द फिक्स्ड बेस मेथड, ओके स्टूडेंट्स। अवर नेक्स्ट टॉपिक बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब ही है कंपैरेटिव ईयर, राइट। हर चीज के लिए कंपैरिजन के लिए एक स्टैंडर्ड रखना जरूरी है, तो इसके साथ इसको कंपेयर करो तो हमने आगे बढ़े कि नीचे आए, ये चीज आपको पता चलेगा इसको अगर हमने स्टैंडर्डाइज किया तो, दैट इज कॉल्ड बेस ईयर। तो यहाँ पे जब हम डेटा की बात करेंगे, ईयर की बात करेंगे, आइटम की बात करेंगे, तो वी विल कंसिडर वन ईयर एज ए बेस ईयर, तो दैट इज कॉल्ड बेस ईयर। अब बेस ईयर में टू मेथड्स है, वन इज फिक्स्ड बेस ईयर मेथड, अनदर इज चेन बेस्ड ईयर मेथड, राइट। तो फिक्स्ड बेस ईयर मेथड और चेन बेस्ड मेथड। अब फिक्स्ड बेस में क्या है मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपके पास 2011, 2012, 2013 और 2014 चार साल का डेटा पड़ा है, बरोबर। फॉर एग्जाम्पल ये है 20, ये है 30, ये है 40 और ये है 60, राइट। सपोज दिस इज लेटेस्ट नंबर ऑफ काइट्स, राइट, ये है। अब देखिए फिक्स बेस में, अगर मैं ऐसा बोलूं कि फिक्स बेस में 2012 को फिक्स बेस ईयर समझो, राइट, दैट इज फिक्स कर दिया, तो मैंने ये इसे फिक्स कर दिया, दैट इज 2012। अब इसका कंपैरिजन कैसा होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, पी वन अपॉन पी जीरो हो, राइट। तो यहाँ पे जो पी जीरो है ये फिक्स हो गया, इट विल रिमेन फॉर एवरी ऑल डेटा द सेम, दैट इज कॉल्ड। तो ये वाला देखिए 20 upon 30, 30 upon 30, 40 upon 30, that is 60 upon 30, सब में देखिए 30 को फिक्स बेस मेथड में लिया है, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। सो 2012 ईयर इज कंसिडर्ड एज द बेस ईयर, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड बेस ईयर मेथड और फिक्स्ड बेस मेथड। तो ये दिखे इस तरह, और इसका जो आपका आंसर आता है दैट इज योर आंसर, राइट, दैट इज योर आंसर, अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम। अब ये हुआ फिक्स्ड बेस मेथड, इसके लिमिटेशंस भी है, क्या प्रॉब्लम है बताइए। लिमिटेशन ये है कि यहाँ तो इसको आजू बाजू रखना है, यहाँ तो उस ईयर में जो हुआ है कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होना चाहिए, पॉलिटिकल, सोशल, नेचुरल, राइट, कुछ कलामिटी हुआ हो, कुछ भी हो, तो इससे क्या होगा, उसका जो मार्केट पे इफेक्ट हुआ होगा, उसके डेटास पे इफेक्ट हुआ होगा, राइट, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी बात, कंपैरिजन हमेशा आजू बाजू में हो तो ही अच्छा है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ये तो 2012 है और यहाँ पे मैंने 2020 रखा, सपोज 2020 को 12 से मैं अगर करूँगा कितना सारा चेंज है, ये कैसी बात हुई मालूम है। जैसे आपने हमारे ज़्यादातर आपने सुना होगा, दादाजी बोलते होंगे, राइट, हमारे टाइम में 10 रुपये में मिलता था, हमारे टाइम में सोना 5 रुपये में मिलता था, अभी 5000 हो गया है, दिस इज़ द थिंग। लेकिन आपके टाइम में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था, आपके टाइम में महंगाई कैसा था, आपके टाइम में पॉपुलेशन कितने थे, आपके टाइम में नेशनल इनकम कितने थे, कितने सारे फैक्टर्स है जो कंपेयर करने जैसा है कि नहीं, दैट इज द थिंग। तो कंपैरिजन आप 70 इयर्स बिफोर और अभी के साथ करो तो कैसे हैं। अगर आप देखो ये पेट्रोल, पेट्रोल में ऐसे ही बोलेंगे लोग, झंडे लेके बाहर निकल जाते हैं, 20 साल पहले ये भाव में मिलता था, अभी 20 साल पहले मिलता था, 20 साल पहले आप क्या करते थे, 20 साल पहले हमारा लेवल क्या था, 20 साल पहले हमारा सिचुएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये भी तो देखो, राइट, देर आर मेनी फैक्टर्स टू कंपेयर। तो कंपेरिजन विद अ फास्ट और मेनी डिफरेंस कैन नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट गोइंग टू गिव हर परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ओके, दैट इज द थिंग। तो रिलेटिव, तो ये वाला जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को पार करने के लिए आ रहा है चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड में देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये 2011 है, 2012, 2013, 2014, 2015 एंड 2016, राइट, 20, 30, 40, 60 और ये 70 और ये 80 दिया है, राइट। अब यहां कंपैरिजन बहुत परफेक्ट रहता है, क्यों, द रेशियो ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले साल,
प्रीसीडिंग ईयर राइट, वो बेस्ट रहता है। तो इसका अगर आप 2011 के आगे तो कुछ है नहीं, तो हम वी विल कंसीडर 20/20 राइट, 20/20 इनटू 100 सब में करना था, ये तो अब रह गए राइट, इनटू 100 तो यहाँ भी करना ही था क्योंकि हम परसेंटेज का डिफरेंस देखते हैं राइट। सो दिस इज द थिंग। अब ये देखिए 20/20 100 आ गया, तो पहला वाला रिजल्ट चेन बेस में हमेशा 100 आएगा। इसका क्या होगा 30/20 राइट, इसका क्या होगा 40/30 इंटू 100 यहाँ पे 60/40 इंटू 100 यहाँ पे 70/60 इंटू 100 और यहाँ 80/70 इंटू 100 राइट, दिस इज द थिंग। तो ये आप किनके ये देखे, ये यू राइट, ये यू, ये देखे यू, ये देखे यू और ये देखे यू। अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो देखो चेन बन रहा है, चेन बेस मेथड कनेक्टिविटी राइट टू द प्रीसीडिंग ईयर, दिस इज कॉल्ड चेन बेस मेथड। ये है चेन, तो चेन बेस मेथड इज मोर रिलायबल देन फिक्स बेस मेथड। देर आर फ्यू फैक्टर्स, देर आर फ्यू लिमिटेशंस राइट इन बोथ। प्लीज सी टू दी, सी थ्रू दी थियरी, ओके टेक्स्ट बुक देख लेना, थियरी देख लेना, थियरी इसमें आप ये यूजेस है, लिमिटेशन ये सब पढ़ लेना ओके। हाय स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब इलस्ट्रेशन 5 अगर देखेंगे उसमें ये क्वांटिटी दिया हुआ है राइट, ईयर दिया हो और क्वांटिटी परचेस ऑफ ग्राउंडनट दिया है, तो उनमें तीनों को फाइंड करने का बोला है, फिक्स बेस्ड, चेन बेस एंड देन एवरेज बेस राइट। तो ये तीनों एक ही एग्जांपल में आ जाएगा, लेट अस सी ओके। नाउ 2008 2009 10 11 12 13 14 15 ओके, क्वांटिटी परचेस ऑफ ग्राउंडनट भी दिया है 230 250 230 250 270 280 300 300। अब इंडेक्स नंबर विथ फी बेस ईयर कॉल्ड 2008। अब 2008 के सामने वाले को इन्होंने बेस ईयर कंसीडर करने का बोला है ओके, तो दिस इज द थिंग। अब जरा देखें ये बेस ईयर है तो 230/230 इंटू 100 क्या आएगा, 100 ही आना है ओके, तो ये फिक्स हो गया। लेकिन बाकी सब में देखिए 250/230 230/230 250/230 सब में देखिए हम 230 कंसिडर करते हैं, That means fixed base year method. Okay? So, हमको 230 को consider करके उसका जो index number आता है वो हमको याद रखना है। Second है chain base index number. Chain base मतलब current year और preceding मतलब previous वाला right? तो अगर current year का ये देखे तो हमेशा chain base में हमेशा क्या करना है, 230 अगर दिया है तो उसका पहले साल का भी 230 consider करने का है। तो chain base method में first जो year होगा वो हमेशा 100 आएगा ओके, तो सेकंड वाला देखिए 250/230 क्योंकि प्रीवियस ईयर क्या है 250/230 250/250 250/250 280/270 300/280 and 300/300 राइट, दिस इज द थिंग। P1/P0 P1/P0 × 100 ये वाला कंसीडर करेंगे तो आपको चेन बेस मेथड मिलेगा। यहाँ पे एवरेज बेस ऑलरेडी उन्होंने इन्फॉर्म किया हुआ है 2010 और 11 को लेना है। 2010 और 11 मतलब क्या है, दिस टू राइट, 230 + 250 / 2 दैट इज 240 हमारा भी फिक्स बेस मेथड जैसा हो गया, 240 इज आवर एवरेज राइट। तो 240 को रख के डिवाइड करके देखो हर एक डेटा में, वट एवर यू आर गेटिंग दैट इज द इंडेक्स नंबर फॉर द एवरेज बेस मेथड ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट्स वी हैव क्लियर कंसेप्ट टिल एक्सरसाइज 2.1, आराम से कीजिए आइडिया से राइट, ये जो समझाया है इसको वॉच, वीडियो को अच्छी तरह वॉच कीजिए और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 कीजिए ओके ओके। आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू ऑल, आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, इफ यू आर फॉलोइंग दिस रूल यू विल स्कोर 100 out of 100 इन स्टैट्स ओके। द सजेशन इज दैट जो भी एग्जाम्पल आप करते हैं उसे मिनिमम 2 times करना है, 2 times कंपल्सरी करना है, और एक्सरसाइज के जो सम्स करते हैं उसे 3 times करना है। अगर आपने ये फॉलो किया एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल बिकम एक्सपर्ट। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये अगर आप 2 or 3 times करते हैं एक्सरसाइज के सम, जब आप 3rd time करते हो यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंट राइट। आपको जो समझना है ना वो इंपॉर्टेंट है, तो अंडरस्टैंडिंग काफी आपका क्लियर हो जाएगा और यू विल गेट क्लियर कंसेप्ट ऑफ द सम्स राइट। तो आपको प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और आपका स्कोर भी बहुत अच्छा रहेगा ओके। तो प्लीज फॉलो दिस रूल। सो बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो और द 2.1 एक्सरसाइज।
ओके, तब तक ये प्रैक्टिस कर लीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।